गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मॉर्निंग तड़का में आपका स्वागत है। मैं प्रोफेसर जो और आपके लिए लाए हैं बिजनेस और फाइनेंस का न्यूज। चलो देखते हैं आज क्या है बिजनेस और फाइनेंस की दुनिया की तड़का वाली खबर। पहला खबर स्टॉक मार्केट्स को लेकर। पिछले 3 दिन में इन्वेस्टर्स ने तकरीबन 7 लाख करोड़ का नुकसान किया स्टॉक मार्केट्स में। BSE लिस्टेड स्टॉक्स ने ऑलमोस्ट 267 करोड़ का वैल्यू लूज किया पिछले कुछ दिनों में। अगर आप देखेंगे पिछले कुछ दिनों में जितने भी क्वार्टरली रिजल्ट्स आए वो तो सारे पॉजिटिव ही थे, फिर ऐसा क्यों हो रहा है? बेसिकली बजट का जो अनाउंसमेंट्स है, दूसरा इंटरेस्ट रेट हाइक जो हो रहा है US में, जो ग्लोबली जो IT कंपनीज हैं उसका जो डिमांड कम हो रहा है, ये सब कुछ जब आप जोड़कर देखेंगे तो ये एक कंबाइंड इफेक्ट है। ये सब कुछ जो चल रहा है ग्लोबल मार्केट्स में और इंडियन मार्केट्स में, इसका इफेक्ट आपको स्टॉक मार्केट में दिखाई दे रहा है। अगला खबर LIC से। LIC अपनी पूरी तैयारी में लगा हुआ है 65,000 to 70,000 crores का IPO लेके आने के लिए। आने वाले वीक में वो लोग DRHP भी फाइल करने वाले हैं SEBI में। DRHP मतलब ड्राफ्ट रेड हेयरिंग प्रॉस्पेक्टस। ये होता क्या है, इसमें बेसिकली कंपनी को अपना टोटल पास्ट लिखना पड़ता है, जो मेजर ऑफिस बेरर से उनका पूरा डिटेल्स देना पड़ता है, और आने वाले IPO से जो फंड्स है उसका क्या करेंगे इसका सारा डिटेल्स भी देना पड़ता है। और एक खबर ये है कि जो पॉलिसी होल्डर्स हैं मोस्ट लाइकली उनको 5% का डिस्काउंट मिलेगा इस IPO में। स्टॉक मार्केट्स को लेकर और एनालिसिस, क्यों मार्केट्स गिर रहा है। एंड्रू हॉलैंड जो CEO है एवेंडस कैपिटल पब्लिक मार्केट्स का, उनके हिसाब से जो US मार्केट्स में जो इन्फ्लेशन हो रहा है, इंटरेस्ट रेट हाइक्स हो रहे हैं, और IT स्टॉक्स को लेकर जो डिमांड कम हो गया मार्केट्स में, उसके कुछ मेजर रीजंस ये है जिसके वजह से FIIs मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो है वो अपना पैसा इंडियन मार्केट से निकाल रहे हैं, जिसके वजह से स्टॉक मार्केट में इसका इफेक्ट दिख रहा है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि बजट जो था वो काफ़ी बढ़िया था इंडियन मार्केट्स के लिए, लेकिन बजट का जो पैसा है वो आने को टाइम लगेगा, इंडस्ट्रीज में लगने को टाइम लगेगा, तो इसलिए ये जो इफेक्ट है ये तब तक दिखाई देगा जब तक गवर्नमेंट के तरफ से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं होता। अगला खबर क्रिप्टो करेंसी के इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है। नितिन कामत जो CEO है एंड को फाउंडर है Zerodha में, उनके हिसाब से जो 1% TDS लगाया है गवर्नमेंट ने, मतलब जो बायर होगा वो 1% डिडक्ट करके सेलर को देगा जब वो क्रिप्टो करेंसी खरीदेगा, और वो 1% जो है एडवांस टैक्स की तरह डिपॉजिट करेगा सेलर के बिहाफ में। इसके वजह से क्रिप्टो करेंसी का डिमांड में काफ़ी डिप आ सकता है जुलाई महीने से, और अभी भी टैक्सेशन के लेके कुछ ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है डिजिटल एसेट्स और क्रिप्टो करेंसीज को लेके। तो गवर्नमेंट जितना जल्दी क्लैरिटी लेके आएगा उतना जल्दी अच्छा होगा इन्वेस्टर्स के लिए। तो क्लैरिटी होगा तो वो लोग इन्वेस्टमेंट भी अच्छी तरह से करेंगे, जो मार्केट्स के लिए बहुत अच्छा होगा। अगला खबर US मार्केट से, टेस्ला कंपनी एंड बिटकॉइंस के इन्वेस्टमेंट को लेके। टेस्ला कंपनी ने पिछले साल $1.5 बिलियन इन्वेस्ट किया बिटकॉइंस में, और उन्होंने अभी उसका वैल्यूएशन $1.99 बिलियन बताया। तो इन शॉर्ट ये तो प्रॉफिट ही हुआ है, लेकिन उन्होंने जब टैक्स फाइलिंग किया तो उन्होंने $101 मिलियन का इम्पेरिमेंट लॉस डिक्लेयर किया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि प्रॉफिट में लॉस। कहने का मतलब ये है कि वो कह रहे हैं कि जो उन्होंने वैल्यूएशन सोचा था बिटकॉइंस का उससे कम हो गया वैल्यूएशन एक साल में, इसलिए उन्होंने प्रॉफिट में लॉस ये उन्होंने बता दिया अपने टैक्स फाइलिंग्स में। वैसे तो कुछ ट्रेडिंग सेशंस में फ़िलहाल मार्केट काफ़ी बेरिश है, लेकिन ये 5 कंपनीज है जिन्होंने अपने मार्केट कैपिटलाइजेशन में गेन किया है, और मार्केट के डायरेक्शन में जाते हुए ये 5 कंपनीज है जिसने सबसे ज़्यादा मार्केट कैपिटलाइजेशन लूज किया पिछले ट्रेडिंग सेशन में। इंडियन मार्केट्स एंड एशियन मार्केट्स का अपडेट्स। कल जब मार्केट्स बंद हुआ तो सेंसेक्स 1023 पॉइंट्स डाउन, निफ्टी 302 पॉइंट्स डाउन, USD INR 0.17 रुपीस डाउन एंड गोल्ड 216 रुपीस अप क्लोज हुआ। आज सवेरे निकी 155 पॉइंट्स अप, शंघाई 1 पॉइंट अप
एंड सिंगापुर इंडेक्स जो है 32 पॉइंट्स अप ट्रेड कर रहा है। टेक्निकल एनालिसिस में निफ्टी चार्ट्स में जैसे हमने कहा था 17,700 का जो रेजिस्टेंस था उसको मार्केट ने मेंटेन किया है, लेकिन ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है। तो आज अगर मार्केट मूवमेंट्स करता है तो हो सकता है 16,900 के लेवल को टच कर ले एक बार, या फिर वापस से वो बाउंस कर सकता है 17,700 लेवल्स पे। स्टॉक पिक ऑफ द डे में आज मैं चूज करता हूँ GTND इंडिया लिमिटेड। ये उसका एक 4 आवर चार्ट है। तो इसमें आप क्लियरली देख सकते हैं कि 110 एंड 120 पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। तो अगर आपको यहाँ पे एक मौका मिलता है तो आप यहाँ पे एक बाई कर सकते हैं तकरीबन 110-120 लेवल्स पे, और आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो 100 का होगा, और आपका फर्स्ट टारगेट जो रख सकते हैं आप 135-140 का रख सकते हैं, एंड सेकंड टारगेट जो है 150-155 का रख सकते हैं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, बिकॉज यू आर अ विनर। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आपका दिन शुभ रहे। हैव अ ग्रेट डे माय फ्रेंड्स। थैंक यू। नमस्कार।